प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना में बनाए घर गरीबों को सौंपने पहुंचे थे, जहां पर वो भाषण देते हुए भावुक हो गए। उन्होंने भावुक होकर कहा कि बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मुझे भी मिला होता। दरअसल मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों मजदूर गरीबों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मैं इसे देखकर आया, मुझे लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। इसके बाद मोदी कुछ देर तक खामोश हुए और भावुक हो गए। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देश में 90,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं, जिसमें अकेले सोलापुर की राय नगर सोसाइटी में 15,000 घर बनाए गए हैं, जिसे मोदी ने आज इन घरों का वेंडर्स और हैंडलूम वर्कर्स को सौंपा। महाराष्ट्र दौरे के बाद पीएम बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी शाम को चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही मोदी तिरुचिरापल्ली के रंगनाथम स्वामी मंदिर भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।